आपकी डायरेक्ट सेलिंग आपने किया होगा मुझे मालूम नहीं, बट बाकी डायरेक्ट सेलिंग के बराबर इसको तोलोगे तो नहीं हम सक्सेस हो पाएंगे कभी नहीं, क्योंकि एटॉमिक ऑफ प्लेटफॉर्म ही अलग है। ये डायरेक्ट सेलिंग से उसी फार्मूले में बैठती है, लेकिन हर फार्मूला का सिद्धांत अलग रहता है। अगर कोई गणित सुधारना है तो उसका फार्मूले के सबसे अलग अलग डिफरेंट फार्मूले रहते हैं, बराबर है। तो सेम एक्चुअल हम अगर एटॉमी में सक्सेस होना चाहते हैं तो हमारे अंदर में कुछ पॉइंट्स डालना पड़ेगा, उसकी वजह से हम सक्सेस हो पाए। अभी तक हमने एक साल डेढ़ साल अभी 18-19 महीना हो चुका है कि हमने अभी तक एटॉमी में अच्छे तरीके से समझ नहीं आ पुराना मिलते होंगे। अगर एक ही दिन में अगर आपने एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया तो 30 दिन में 30 लोगों को प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया आपने, 30 में से 5 लोग आपके साथ प्रोडक्ट खरीदेंगे, 5 लोग तो खरीदेंगे ये तो विश्वास करूंगा मैं। आपको भी करना पड़ेगा, प्रकृति का नियम है कि अगर आप वर्क करते हैं कोई चीज के ऊपर तो इतना तो आशा करना पड़ेगा उसका 1% के लिए आशा करना पड़ेगा रिटर्न मिलेगा। बातें तो यहाँ पर हो गई है ना, और ज्ञान की कमी नहीं है यहाँ, कोई भी बैठा है ना उसके पास, किसी के पास ज्ञान की कमी नहीं है ना। तो आज अपन लोग बात कर रहे हैं, ये जो मीटिंग रखी गई है ये ट्रेनिंग रखी गई है बेसिकली, तो अपन ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो कुछ कुछ चीजें लेता हूँ है ना डायरेक्ट। अब बात कहाँ आती है, कर क्यों नहीं पा रहे, सिंपल से एक ही राज, सिर्फ एक ही कारण है जो कर नहीं पा रहा है, जिस व्यक्ति को खुद से शिकायत है, ऊपर वाले से शिकायत है, नीचे वाले से शिकायत है, वो धंधा नहीं कर पाए। नौकरी कर रहे हो क्या, ये एटॉमी नौकरी है, नौकरी है किसका बिजनेस, अरे मेरा बिजनेस दूसरा जगाएगा क्या, तीसरा जगाएगा क्या, मेरे को पानी आके डालेगा, तू उठ जाग कर काम उठ, अरे मेरा बिजनेस है मैं मालिक हूं मुझे करना। सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली, रिटेलिंग करना पड़ेगी, बेस्ट बात। इन्होंने क्यों बोली, पीछे से देखा कि एक रिटेलिंग कर रहा है बढ़िया पेमेंट बन सकता है, सिंपल सी बात, बहुत अच्छी बात बोली। अब यहां पर सर ने एक बात कही कि एटॉमी अलग है, बिल्कुल अलग है यार, बिल्कुल अलग है, 100% अलग है, 100% अलग है। दूसरी कंपनी लीडर को खरीदने में प्रोडक्ट खराब देती है और लीडर में डिस्ट्रीब्यूट करती है, सिंपल सी बात है। प्रोडक्ट की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करके जो पैसा बचता है वो लीडर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, एक्स्ट्रा डाल देती है शुरू में, और शुरू में एक्स्ट्रा डाल देती है, बाद में दे नहीं पाती है तो उसको वाइंड अप, सर ने कहा 2-3 साल बाद जाना पड़ता। तो प्रोसेस सिंपल सा ये है कि एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, समय तो लगेगा, एक बच्चा पैदा होता है ना 8 महीने का समय उसको भी लगता है, लगेगा। अब बात करें नॉलेज की, जिसको नॉलेज है वो धंधा कर जाता है, या तो नॉलेज हो या फिर प्रेशर हो। किस चीज का प्रेशर हो, इस चीज का प्रेशर हो। सर को नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन उन्होंने 4 चीजें पकड़ी और फिर उसके बाद अपना, दूसरी बात इनके कहने का तरीका, इनके बोलने का तरीका, यानी ये वो 100% उस बात पे सेटिस्फाई होके बोलते हैं तो व्यक्ति समझता है। अपन के आधे मन से बोलते हैं, वो शॉर्ट भी मारेंगे ना अपन आधे मन से मारेंगे, अरे आधे मन से दो काम होंगे, 1 सेकंड का चूक हुई या तो बोल्ड या तो कैचअप। तो ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि यार 100% का बैग क्या, बोले ये कैरी कर लूंगा,
साइंटिस्ट के रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चेक कर लो, बोले मेरे को नहीं आता गूगल पे चेक कर लो, तो वो कॉन्फिडेंस होना सबसे ज्यादा जरूरी है, और कॉन्फिडेंस नहीं होता धंधा नहीं आता।